करोना समस्या रिजिस्ट्रेशन कोसम हेल्पलाइन प्रारंभिंचिंदी राजस्थान प्रभुत्वं राजस्थान लो पॉजिटिविटी रेट 6.08% उंदनी आ राष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्म चेप्पारु तमकु 250 मेट्रिक टन्नुल ऑक्सीजन अवसरं उंडगा केंद्रं 140 मेट्रिक टन्नुलु मात्रमे केटायिंचिंदनी चेप्पारु मे 15 वरकु राजस्थान कु वैक्सीन इव्वलेमनी सीरम इंस्टिट्यूट चेप्पिंदन्नारु वैक्सीन अंदुबाटुलो लेनप्पुडु वैक्सिनेशन चेयडं साध्यं कादन्नारु छत्तीसगढ़ हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंग्देव वैक्सीन केटायिंपुलपै केंद्रं राजकीयालु चेस्तोंदन्नारु సరిపడినంత వాక్సిన్ ఇస్తే 30-40 రోజుల్లోనే వాక్సినేషన్ పూర్తి చేస్తామన్నారు సింగ్దేవ్ కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల ఆరోగ్య మంత్రులు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కరోనాపై చర్చించారు हमारे एक्टिव केसेस अभी 1,27,000 के करीब है पॉजिटिविटी का परसेंटेज भी 6% हो गया है जो पहले नहीं था और रिकवरी रेट भी हमारी रिड्यूस हुई है जहां 98.60% थी उससे 73.60 हो गई और हमें ऑक्सीजन का अलॉटमेंट है 140 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। आज हमारी सबसे बुरी स्थिति हो रही है, बेड हम 1,00,000 कर लेंगे डेवलप, 2,00,000 कर लेंगे, 3,00,000 कर लेंगे। अभी हमने एक सेंटर 5,000 बेड का डेवलप किया है, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? ऑक्सीजन की हमारी खपत 250 MT की तो अभी है और 30 अप्रैल आते आते हमारी ऑक्सीजन की खपत 350 MT के करीब हो जाएगी रिक्वायरमेंट। कि 1 मई से जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी तो राज्य में वैक्सीनेट करने का दौर शुरू करना है हमको, तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की, उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने जो पहले के हमको ऑर्डर्स दे रखे हैं 15 मई तक तो हम उन ऑर्डर्स को ही पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको वैक्सीन कहाँ से दें? तो अब हमारे सामने सवाल ये पड़ा, 1 मई से जो 18 साल से 45 साल के 3,13,00,000 लोग हैं हमारे, उनको कैसे वैक्सीनेट करें? दुर्भाग्य से अपेक्षाकृत सहयोग जो केंद्र सरकार का मिलना चाहिए वो ऐसा लग रहा है कि इस बार सामने नहीं आ रहा। विशेष करके वैक्सीनेशन को अगर देखें, ये एक तुगलकी सा निर्णय लिया गया कि अब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं कराएगी। बजट में 30,000 करोड़ केंद्र के रखने के बावजूद और राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया इस टूटती हुई गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में, अब राज्य अपने से खरीदी करके नागरिकों को लगाएं, तो ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने बना रखी है। ना केवल असंतुलित और अस्वीकार रेट बनाए हैं, सप्लाई नहीं है, और अगर ऑर्डर देने के लिए कहा जा रहा है तो फैक्ट्रियों के पास सामान नहीं है पूरा करने के लिए। इन अव्यवस्थाओं के बीच छत्तीसगढ़ सरकार अपनी ओर से जितना बन पा रहा है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य विभाग का अमला इसको भी बढ़ा के समय अनुकूल मानकों के आधार पे लगातार हम बढ़ाते चले जा रहे हैं।